दादो, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटे, तबीयत ठीक है, लेकिन ये परेशानियां तो सारी जिंदगी का साथ बन गई है मेरी। I'm sorry दादू, पता नहीं मामा को क्या हो जाता है, आजकल तो वो हर किसी से उलझ रही हैं। बेटा वो भी क्या करे, पहले मुंतहा की माँ ने उसकी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब उसकी बेटी उसके घर में नफरतें फैलाती रही। किया क्या था रूही पप्पू ने? क्या किया था बेटा, ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया था। झूठी सच्ची शिकायतें जलील से जाकर लगाती थी गुलनास की, फिर दोनों मियां बीवी में लड़ाई झगड़े होते थे, घर में एक तूफान मचा रहता था। लेकिन जब जब जलील को असलियत का इल्म हुआ ना, तो वो अपनी बीवी को लेकर कराची शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मामा शुरू दिन से पप्पू को नहीं पसंद करती थी? हाँ शायद इसी वजह से, लेकिन उस पप्पू की बेटी तो उससे भी चार हाथ आगे निकली। दोनों बहनों में उसने लड़ाई झगड़े करवा दिए, दोनों को अलग कर दिया। अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन बेटा एक काम करो, मेरे गुलनाज से कहना वो मिठाई वापस ना कर, प्लीज उसे कहना वो मिठाई हरगिज हरगिज वापस ना करे, वरना आनिया की जिंदगी में जहर घुल जाएगा, उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये क्या है? मिठाई वापस भिजवाई आपकी बहन ने। भिजवानी नहीं थी ना? मैं भी नहीं भिजवाने वाली थी, शायद नजमा से गलती हो गई, उसने भिजवा दी। लेकिन देखें गुलनाज मामी ने कैसे वापस भिजवा दी। गुलनाज भी इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सब अल्लाह के काम है ना। ठीक है, ठीक है, अब आपकी तरह हर कोई बड़े दिल वाला थोड़ी होता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है उन्होंने मुझे कितना हर्ट किया है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो। I'm sorry, मेरी वजह से आप दोनों बहनों में इतना फासला बन गया। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, आनिया की वजह से। तुमने तो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तुम ना होती तो रोहिल जाने क्या कर रहे थे। नहीं, ये आप लोगों का एहसान है, इतना प्यारा शोहर, इतना अच्छा घर, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना अपनी कोई सगी औलाद से भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय बना दूं आपके लिए? हैं? बेटा अगर अपने हाथ से बनाओगी तो मैं जरूर पीऊंगा। जी मैं भी पीऊंगा। जी इज्जत करने वाली बच्ची है, गुलनाज ने तो उसके खिलाफ पता नहीं हमें क्या क्या कहा था दिल खराब करने के लिए। खराबी बच्ची में नहीं, लोगों की नीयतों में। ये क्या है? मिठाई वापस आ गई है गुलनाज के घर से। Thank you.